कुल्लू में पत्रकार वार्ता के दौरान परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम शुरू करने जा रही है। इस स्कीम के तहत प्रदेश के बेरोजगार युवा मोटरसाइकिल खरीदकर उन्हें पर्यटकों को किराए पर दे सकते हैं। इससे प्रदेश में असंवैधानिक तरीके से बाइक किराए पर देने वालों पर भी रोक लग सकेगी। स्कीम के तहत परिवहन विभाग में बाइक को लाइसेंस दिया जाएगा और 5 साल का टैक्स भी लिया जाएगा। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए युवा एक हिमाचली होना आवश्यक है और पुराने लोग जो इस कारोबार से जुड़े हैं वे भी लाइसेंस बनवा सकते हैं, लेकिन बाइक 4 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना में 100 के ऊपर बाइकों को कवर किया जाएगा। इसके अलावा कई विभागीय औपचारिकताएं भी रखी गई हैं। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से पर्यटक हिमाचल के गांव-गांव तक पहुंचेगा और हिमाचल का पर्यटन कारोबार भी बढ़ेगा। वहीं लाल बत्ती बंद करने के फैसले का भी परिवहन मंत्री जीएस बाली ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से जहां आम जनता की दिक्कतें कम होंगी, वहीं इस फैसले से दूरगामी परिणाम भी सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते देने का एक सराहनीय फैसला लिया है। बड़े दिनों से हमारा प्रयास था कि जो दो इश्यू थे इसमें, एक तो कुछ लोग इलीगली बाइक की रेंटिंग कर रहे थे और दूसरा ये था कि भाई जब बच्चे चला ही रहे हैं तो उसको लीगलाइज किया जाए और जो नहीं चला रहे उनको उत्साहित किया जाए कि वो चलाएं। और एक ये एम्प्लॉयमेंट के नए एवेन्यू खोलेगा, एम्प्लॉयमेंट बच्चों को मिलेगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, कुछ काम करने को मिलेगा, पर्यटन जो है उसको बढ़ावा मिलेगा और जो पर्यटक हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में जहां गाड़ी नहीं भी पहुंच सकती वहां पे मोटरसाइकिल पे जा सकेंगे। तो इसमें मोटा मोटी स्कीम जो है रेंट ए बाइक मोटरसाइकिल स्कीम 2017 जो मैंने डिटेल बता दी है उसमें यह है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, मोटरसाइकिल प्राइवेट भी है तो 4 साल से ज्यादा वो होना नहीं चाहिए उसकी अवधि लिए हुए और 100 cc से कम नहीं होना चाहिए और एक से एक मोटरसाइकिल तक भी आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। पहले यह था कि शायद हम ग्रुप को करें, 5 से ऊपर करें, फिर मैंने अपने आप इंटरवीन करके इसको एक किया और बोनाफाइडी हिमाचली के लिए किया। जो फॉरन रनर को करेगा और स्कीम बोनाफाइड हिमाचली के लिए, फर्दर रेंट आउट अगर फॉरनर को करता है तो ही हैज टू हैज एन फॉरन एक्सचेंज अकाउंट, तो वो उनको रिजर्व बैंक से परमिशन लेके खोलना पड़ेगा, शिकायत पटका बार लगाना पड़ेगी, टेलीफोन नंबर अपना लगाना पड़ेगा और उसको कमर्शियल व्हीकल का लाइसेंस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से लेना पड़ेगा। तो ये कुछ इसके साइलेंट फीचर्स हैं और ये स्कीम गेस्टर में हम 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर ले आएंगे और उसके बाद ये स्कीम लागू हो जाएगी और तब उसका पूरा लाभ जो है, पर स्कीम की जानकारी जो है वो तुरंत हमारे जो RTOs हैं उनसे कोई भी व्यक्ति ले सकता है और प्रदेश के लिए ये स्कीम जारी होगी।